हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट का पार्ट टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्ट टू में क्या है, डिफरेंट वेज टू पैकिंग फूड, मतलब कि हमारे जो एनिमल हैं उनके भोजन लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि सभी जो एनिमल होते हैं अलग अलग तरह से अलग अलग अपना भोजन लेते हैं, तो इनके क्या तरीके हैं, किस तरह से अपना भोजन लेते हैं, इसको हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में देखिए, द मोड ऑफ पैकिंग फूड इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर जीव जंतु का क्या होता है, भोजन लेने का जो मोड होता है, तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे कि हम ह्यूमन स्विंग के तरीके आप भोजन लेने के एक जैसे होते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, बड़े जीव जंतु होते हैं, उनके भोजन लेने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट में, लाइक बीज एंड हमिंग बर्ड सक्स द नेक्टर ऑफ द प्लांट। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे बीज क्या करती हैं, जो अपनी मधुमक्खी होती है वो क्या करती हैं, और हमिंग बर्ड ये क्या करते हैं, शक करते हैं, शक द नेक्टर ऑफ प्लांट। जैसा कि आप जानते हैं, बीज होते हैं, हमिंग बर्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, प्लांट के नेक्टर को क्या करते हैं, ये चूसते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट में देखिए, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड द मैनी अदर्स एनिमल डिपेंड ऑन द मदर्स मिल्क। जो ह्यूमन के इन्फेंट होते हैं, जो ह्यूमन के बच्चे होते हैं, या हाथी के बच्चे जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जितने मेमल्स होते हैं, अपने मदर्स की मिल्क को पीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनका ये क्या होता है, ये इनका न्यूट्रिशन होता है, अपने मदर्स को मिल्क को पीते हैं, जितने मेमल्स होते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि ह्यूमन हो गए, ह्यूमन के बच्चे हो गए, या एलिफेंट के हुए, जितने जो जीव जंतु जिनके बच्चे होते हैं, वे क्या करते हैं, अपने मदर्स की मिल्क को पीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोर्थ पॉइंट देखेंगे, स्नैक्स लाइक द पैथन सैलो द एनिमल्स। स्नैक्स जो होते हैं क्या करते हैं, ये स्नैक्स जो होते हैं, अपने स्नैक्स जो होते हैं क्या करते हैं, ये एनिमल को क्या करते हैं, ये इसको निगलते हैं, चारों ओर निगलना होता है एनिमल को। छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं उनको क्या करते हैं, ये निगलते हैं, ये इनके स्नैक्स के भोजन होते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे, सम एक्वाटिक एनिमल्स डिपेंड ऑन द फूड पैरासाइटिक पार्टिकल नियरली देम। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट दिया गया है, सम एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल जो जीव जंतु क्या रहते हैं, जल में रहते हैं, वो क्या करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, अपना भोजन लेते हैं, फूड पार्टिकल उनके पास जो छोटे छोटे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं पॉन्ड्स में, रिवर में, उनसे अपना वो क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, सिक्स पॉइंट में देखेंगे, दिस वेयर सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट वे टू टेकिंग फूड। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि जो जीव जंतु अपना भोजन कैसे कैसे लेते हैं, उन जीव जंतु के भोजन के बारे में कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम इसके आगे देखेंगे, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अमेजिंग फैट है, फैक्ट जो आपकी बुक में दिया गया है, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जैसे इसमें बताया गया है कि स्टारफिश के न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे, यहाँ पे स्टारफिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टारफिश जो है क्या है, एक फिश नहीं है, से नाम स्टार फिश है, लेकिन यह एक फिश नहीं है, यह एक सी एनिमल है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों सी एनिमल है, क्योंकि ये क्या अपना भोजन माउथ से लेता है, माउथ के अंदर से क्या इनके स्टमक निकलते हैं, ऐसे बड़े से कवर्ड, यहाँ पे आपकी जो सी कवर्ड स्नेल की जो मुलायम पार्ट होते हैं इसकी बॉडी को लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसको हम सी एनिमल कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर गिल्स भी नहीं होता है, गिल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, गिल्स नहीं होता है, इसलिए ये फिश नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से कवर वाले जो सेल्स होते हैं, जो उनके सेल्स जो कवर होते हैं, जैसे स्नेल मान लीजिए, जब उनके बॉडी के मुलायम पार्ट निकलते हैं तो उसको क्या करते हैं, स्टारफिश अपने स्टोमक से, माउथ से निकलता है, माउथ से जो स्टोमक निकलता है उससे उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, आफ्टर ओपनिंग द शेल, जब उनके जो कवर्ड वाले कैल्शियम कार्बोनेट से कवर वाले जो शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब ओपन होते हैं तो मुलायम पार्ट जो उसकी निकलती हैं उसको ये क्या करते हैं, माउथ से ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू इट।
अब इनके माउथ से क्या होता है, स्टमक निकलता है जिससे वो क्या करते हैं उसको पकड़ लेते हैं, मतलब अंदर ले लेते हैं। ठीक है, लेने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए लेने के बाद क्या होता है, द सेफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। उसके बाद क्या होता है, वो जो एनिमल होता है जिसको उन्होंने पकड़ा है वो शेल के अंदर चले जाते हैं। अंदर चलने के बाद क्या करते हैं स्टारफिश, द स्टमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। जब ये क्या होता है उनके स्टमक के अंदर चला जाता है तो ये क्या करते हैं अपने स्टमक को क्या करते हैं धीरे धीरे वापस बॉडी के अंदर बैक कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। और अंदर करने के बाद क्या होता है उस एनिमल का धीरे धीरे डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद वो क्या होते हैं उनके फूड में पच जाते हैं, उनका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्या है एक अलग तरह का भोजन है। आपने सभी एनिमल्स को देखा होगा कि वो मुँह से भोजन लेते हैं या जो इधर की फिश है वो गिल से लेती है, लेकिन स्टार फिश में बहुत अमेजिंग है क्योंकि उनके माउथ से स्टमक निकलता है और उस स्टमक के अंदर वो अपने उसको जो विदाउट शेल जो से कवर्ड शेल वाले जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के कवर्ड शेल वाले जो एनिमल होते हैं जैसे स्नेल हो गया उनके मुलायम बॉडी को वो ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसके आगे देखते हैं, अब हम इसके आगे थर्ड पार्ट को देखेंगे जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पार्ट टू फिनिश हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके। अगर